हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड टुडे स्टार्ट आवर मेंटल मैथ क्लास। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द वर्कशीट 15 एंड 16 एंड आल्सो आल्सो चैप्टर 3 वर्कशीट 17। ओके, चैप्टर 3 का हम स्टार्ट कर देंगे आज। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। Here you can see the addition worksheet 15. Okay, so first number problem is, in a school library there are 15,005 in English books and 23,050 books in Hindi. How many books are there in all in the library? So यहाँ पे addition करना है, simple बात है, addition करेंगे हम। So क्या है, 23,050 and 15,005. Okay, so first of all 23,050 books क्या है, हिंदी है ना, और 15,005 book क्या है, इंग्लिश है ना। तो इसको हम सिंपल एडिशन करेंगे, तो ऊपर जीरो है नीचे फाइव है, क्या होगा, फाइव ऊपर फाइव है नीचे ज़ीरो है, तो भी फाइव, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फाइव प्लस टू कॉस टू एट एंड टू प्लस थ्री कॉस टू थ्री, सो 38,000 इन टोटल ना, ऑल बुक्स क्या है 38,055। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 38,055 बुक्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है और आंसर लिखना है। ओके, कुछ मतलब वर्ड्स में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो ये भी पूरा ऐड होगा कि मोहन्स फादर इज़ 25 ईयर्स ओल्डर देन हिम, इफ़ मोहन्स एज इज़ 11 ईयर्स देन व्हाट इज़ द फादर्स एज। सो ये भी एडिशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि मोहन के पापा मोहन से 25 साल बड़े हैं, अगर मोहन का एज 11 ईयर्स है तो उसके पापा का एज क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ 25 के साथ 11 ईयर्स को हम ऐड कर देंगे, तो क्या होता है 6, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 36 ईयर्स। तो मोहन के पापा का एज कितना होता है, 36 ईयर्स। अच्छा, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, 4 and 5 आर गोइंग आउट फॉर अ पिकनिक, इफ़ देयर आर 325 स्टूडेंट्स इन क्लास 3, 346 ऑफ क्लास 4 एंड 310 ऑफ क्लास 5, फाइंड द टोटल। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 325 प्लस 3, 346 प्लस 4 एंड 3, तीनों को जाके ऐड करना है। ओके, ऐड कर दोगे हो जाएगा, तो बाकी भी जो है एडिशन ही है। सो 4, 5, 6 आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में कर दोगे। ओके, आप लोग होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी एडिशन है, पर यहाँ पे स्पेस है, चलो हम करते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग एन एफॉरेस्टेशन ड्राइव 1,01,124 सैपलिंग्स ऑफ नीम, 39,127 सैपलिंग्स ऑफ पीपल एंड 19,091 सैपलिंग्स ऑफ यूकेलिप्टस वेयर प्लांटेड। सो टोटल निकालने के लिए बोला गया है, सो हम ऐड करते हैं, चलो 1,01,124 सैपलिंग्स ऑफ नीम है ना, नीम। अच्छा, 39,000
127 पीपल, ओके, एंड नेक्स्ट इज 19,091 इक्वल्स टू यूकेलिप्टस. सो इसको हम ऐड कर देंगे. इसको हम अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है टोटल नंबर? 7 + 1 = 8, 8 + 4 कितना होता है आपके पास? 9, 10, 11, 12. 12 का 2 और यहाँ पे कैरी 1. सो 9 + 2, 9 के बाद 10, 11, 11 के बाद 2, 11 के बाद 11 के बाद 12, 13, 13 + 1 = 14. 14 का 4 कैरी 1. 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3. 3 हो गया, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है. 9 + 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 + 1 = 19. 19 का 1 यहाँ पे कैरी 1. सो 1 + 3 = 4, 4 + 1 = 5. यहाँ पे 1 तो कितना होता है टोटल सैपलिंग्स? इज टोटल सैपलिंग्स इज 159,342. ओके, ये हो गया इसका. सो एडिशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एडिशन आप लोग कर पाओगे. ये भी बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैं कर दे रही हूँ. देखो 15,20,500 कार्स, 20,10,170 बाइक्स एंड 80,000 ऑटो. ऐड करते हैं तो कितना होता है? 0, यहाँ पे 7, 5 + 1 = 6, 0, 8 + 1 = 9, 9 + 2 = 11, 11 का 1 यहाँ पे कैरी 1, 8 + 5, 8 + 1, 9, 10, 11, 12, 13, 13 + 1 = 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4. सो कितना होता है? 34,10,670 व्हीकल. मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट मैंने कर दिया, तो वही करोगे, कुछ नहीं है यहाँ पे मेंटल मैथ में, ठीक है, जस्ट ऐड कर दोगे. ओके, ये भी ऐड बहुत ही सिंपल है, सो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, अच्छा नेक्स्ट इज वर्कशीट 17 में देखो आप लोग, यहाँ पे माइनस है. सो ऊपर 5 है, नीचे 3 है. सो क्या होगा यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 3 कट जाएगा, 1, 2, 3. कितना बचा है? 2. 0, अगर 0, 0 है तो 0 ही रहेगा. अगर ऊपर 0 होता है, नीचे कुछ होता है, तो इसको 10 इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है. अगर ऊपर नंबर है, नीचे 0 है, तो नंबर पूरा ही बैठ जाएगा. ऊपर 4 है, नीचे 1 है, सो 1 के बाद से कहाँ तक 4 होता है? 1 के बाद 2, 3, 4, 3. 6 के बाद कहाँ पर 8 होता है? 6 के बाद 7, 8, 2. 4 के बाद कहाँ 6 होता है? 4 के बाद 5, 6. ओके, सो ऐसे ही ऐड करते जाना है. ऊपर 9 है, वो नीचे 0 है तो 9 बैठ जाएगा, नीचे 0 है तो 9 बैठ जाएगा. 1 से 9, 8, 9, 9, 0, 0 नहीं बैठते हैं यहाँ पे. यहाँ पे देखो 0, 0, 0, 3 के बाद 4 कहाँ पे होता है? 1, 0, 2 के बाद 4 कहाँ पे होता है? 3, 4, 2,
4 के बाद 5 1, 2 के बाद 2 4, सो बहुत ही सिंपल है मैथ। सब्सट्रैक्शन तो आप लोग पहले कर चुके हो, तो जो भी बाकी रह जाता है आप लोग खुद से करोगे। अच्छा यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको हम कैसे करेंगे? अच्छा, अगर नीचे दिया जाता है, मतलब आंसर दिया जाता है और यहाँ नीचे का नंबर दिया जाता है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 6 + 2 कितना होता है? 8 हो जाएगा। ये तो माइनस ही करना पड़ेगा, 2 से अगर हम 8 माइनस करते तो 6 होता है, 6। अच्छा, ऊपर है और नीचे है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। पर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होता है? 4 और 7, 4 के बाद 5 6 7 3, सो यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद इन दोनों को तो माइनस ही रहना है, सो 2 and 7 5 होता है और 3। यहाँ पर भी देखो क्या होगा, मैंने बोला था यहाँ पे अगर नीचे है और यहाँ पर आंसर है और नीचे का नहीं दिया गया है तो क्या करना है? प्लस करना है, तो यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे, सो 2 + 3 = क्या होता है? 5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर दिया गया है, नीचे का दिया गया है और आंसर दिया गया है तो आपको प्लस करना है। अगर ऊपर का दिया है और आंसर दिया है तो नीचे का निकालने के लिए दिया है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पर तो आंसर निकालने के लिए बोला गया है तो माइनस होगा, तो 2 से 5 3 होता है। यहाँ पर देखो ऊपर है और आंसर दिया है तो क्या करना है? माइनस करना है, सो 2 से 4 कहाँ पर होता है? 2 के बाद 3 4, यहाँ पर 4 2 हो गया। 5 के बाद 6 कहाँ पर होता है? 1। अच्छा, उसके बाद 8 8 0 होता है। अच्छा 1, और यहाँ पे 6, यहाँ पर भी माइनस करना है, सो 1 के बाद 5 5 होगा। आई होप यू ऑल डन। अच्छा यहाँ पे देखो नीचे 0 है और यहाँ पे 2 है, क्या करना है? प्लस करना है, तो हम प्लस करेंगे तो क्या होता है? 2 होगा। माइनस करना है, 2 के बाद कहाँ पर? 6, 2 के बाद 3 4 5 6, सो 4। 3 के बाद 5 कहाँ पे होगा? 3 के बाद 4 5 2, और यहाँ पे नीचे का है और आंसर है तो क्या करना है? प्लस करना है, सो 5 + 4 = 9, सो बाकी जो है आप लोग होमवर्क में करोगे। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, और एक चीज़ आपकी होमवर्क रहेगी, सो वो है वर्कशीट 18। ओके, वर्कशीट 18 आपका होमवर्क पे रहेगा। ओके, वर्कशीट 18 आपका होमवर्क में रहेगा, सो वर्कशीट 18 आपको होमवर्क में करना है। स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल आई डिस्कस टुडे। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ओके।